अरे मटन नहीं खाऊंगी तो क्या खाऊंगी भाई। नॉनवेज हो तो वेज कैसे अच्छा लगेगा आपको? नहीं इसमें नमक कम है। आपको और पापा का लव स्टोरी बताओ ना। सब नहीं बता, पेट में अटक जा रहा है मेरे भी। हेलो फूड फैम एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ सिंपल ईटिंग। एंड आज मैं आई हूँ एंड मैंने इनफैक्ट अरेंज किया है अ डेट विथ माय मॉम। सो बेसिकली इट्स अ लंच डेट विथ माय मॉम बिकॉज बताने से पहले डेट को बुला लेते हैं। एंड हियर आई हैव गॉट माय डेट फॉर द डे। सो आप ही बता दो आज हम लोग ये डेट क्यों कर रहे हैं, अरेंज किया है। फूड फैम ये तो बोलना पड़ेगा ना, ऐसा है ये लोग खाते रहते हैं और मैं देख देख के भूख के मारे घर में वो करती हूँ कि मुझे भी भूख लगती है और मुझे लोग बाहर लेके नहीं जाते हैं, बोलते वैक्सीन नहीं लगा तो कल वैक्सीन लगने वाले हैं मुझे। कल मम्मी का सेकंड डोज वैक्सीन लगेगा तो मम्मी हमेशा मेरा बैठ बैठ के वीडियो देखती रहती है। और ये बारबेक्यू नेशन का बुफे मम्मी को बहुत ज़्यादा लग रहा है कि इतना खाना मेरे को भी खाना है। तो वैसे मैं आई एम नॉट इन फेवर ऑफ बारबेक्यू नेशन बुफे एट ऑल, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि इट्स लाइक इट्स नॉट दैट वर्थ एंड ऑल। आई हैव नेवर ट्राइड इवन बिकॉज आई एम नॉट अ बुफे काइंड ऑफ फूडी, बट बिकॉज शी वॉन्टेड टू ईट। एंड कल मम्मी का लास्ट डोज है, मतलब सेकेंड डोज लग जाएगा, फिर मम्मी एंड पापा बोथ विल बी फुल्ली वैक्सीनेटेड। तो मैंने बोला ठीक है, वैक्सीन के बाद तो वैसे भी 2-3 दिन लगेगा, एंड बाय द टाइम 2-3 दिन लगेगा मैं झारखंड में होंगी, मतलब इस टाइम पे जब आप वीडियो देख रहे हैं मैं झारखंड में हूँ, तो मैं बोली वहाँ से आऊँगी तब बहुत टाइम हो जाएगा। तो ठीक है मैं आपको ऐसा करती हूँ, आप जो हमेशा बोलते हो बारबेक्यू नेशन का बुफे, तो मैं वो घर पे मंगा के खिला देती हूँ। इस चक्कर में मैं और मम्मी दोनों डेट भी मारेंगे और हम लोग रिव्यू भी करेंगे खाने को। सो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मम्मी मेरी मम्मी डेट के लिए अच्छे कमेंट्स नीचे ड्रॉप कीजिए एंड एंजॉय कीजिए। तो चलिए हम मंगवाते हैं अपना बुफे बॉक्स। वूहू, सो ये आ गया आपका बुफे जो आपको खाना था बारबेक्यू का। सो इसमें वो सब कुछ जो आपने देखा है। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं इसका प्राइस, और आप जब खाओगी हर एक चीज का रिव्यू जो दिल में आएगा वही बोलोगे। अच्छा होगा तो अच्छा, खराब होगा तो खराब। ऐसा नहीं कि मैंने अगर बोला है कि मुझे अच्छा लगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। ये बारबेक्यू नेशन का जो बॉक्स है विच इज बुफे इन बॉक्स, सो मेनी पीपल हैव ट्राइड, तो हम भी आज ट्राई करने वाले हैं फाइनली। ये मैंने नॉनवेज बॉक्स मंगवाया, इसका प्राइस इज आई थिंक 799 रुपीज, और इसमें मैंने 2 नान या कुलचा वालों पराठा देता है, एक्स्ट्रा अगर लो तो 50 रुपए लेता है। तो इसका प्राइस था मेरे को टोटल पड़ा था 949, बट आफ्टर एक डिस्काउंट चल रहा था विच इज क्या डिस्काउंट का नाम था, 120 कुछ था, एक है कुछ ऑफर था, तो 120 रुपीज डिस्काउंट पड़ने के बाद मेरे को इसका बॉक्स का प्राइस पड़ा 899 रुपीज, विच इज लाइक ओके। बट ये बॉक्स बहुत पतलू लग रहा है, कितना पतलू है ना। हाँ तो चलो हम लोग बॉक्स खोल लेते हैं और खोल के पहले इसको सजा लेते हैं। स्टार्टर में हमारे पास यहाँ पर है गार्लिक मस्टर्ड प्रॉन्स 6 पीसेस, एंड हमारे पास है क्रिस्पी चिकन विंग्स 3 पीसेस। सेकंड स्टार्टर बॉक्स में हमारे पास है मिक्स वेज कबाब 5 पीसेस एंड वेजी फिंगर 4 पीसेस। अच्छा ये क्रिस्पी नहीं है, बहुत सॉगी हो गया। नाउ थर्ड स्टार्टर बॉक्स में हमारे पास है तंदूरी फिश टिक्का 6 पीसेस एंड बंजारा चिकन टिक्का 6 पीसेस। नाउ नॉर्मल बफे इन बॉक्स में 2 पराठा होता है, बट मैंने एक्स्ट्रा 2 मंगाया बिकॉज घर में और भी लोग हैं। उसके बाद वी हैव गॉट चिकन दम बिरयानी यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास एक आलू है बिरयानी में, एक लेग पीस है, और यहाँ पर 2 पीसेस ऑफ स्मॉल चिकन है विच इज़ लाइक ओकेश। यहाँ पर हमारे पास है दाल मखनी जो बहुत एवरेज लुकिंग है, लाइक फर्स्ट लुक फर्स्ट इंप्रेशन बोलूँ तो काफ़ी एवरेज है। पर हमारे पास है मेथी मुर्ग, यहाँ पर हमारे पास है मटन रोगन जोश जो मेरे को फिर भी थोड़ा एपेटाइजिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लाइक देयर आर गुड चंक्स ऑफ मटन पीसेस, हाँ घर के जैसा लग रहा है मटन करी। यहाँ पर हमारे पास है मूंग दाल हलवा, और ये क्या है, ये सालन है, बिरयानी के साथ खाने का सालन है। यहाँ पर वी हैव गॉट अंगूरी जामुन अंगूर शेप का, यहाँ पर 2 डिप है स्टार्टर के साथ खाने के लिए, एक मिंट चटनी होगा और एक ये कुछ है, मैंने खाया नहीं पहले कभी। वी हैव गॉट ब्राउनी एंड या वी हैव गॉट सम पिकल सैलड। सो ये है हमारा ओवरऑल स्प्रेड जो ये ऐसा दिख रहा है। आपके तो आ ही नहीं रहे, पेट में अटक जा रहा है मेरे भी। इसको टेबल पे रख देते, टेबल पे रख देते।
सही में। ओ भाई ये खाने लगो ना आप। चलो खाना खाते हैं ना। एक बात बताओ, सबसे पहले आप क्या खाओगे, वेज स्टार्टर नॉन वेज स्टार्टर? सब कुछ एक एक लेते हैं। सबसे स्टार्ट करते हैं ना। आपको सबसे पहले मैं प्रॉन देती हूँ, बिकॉज यू लव चिंगड़ी, चिकन विंग्स, बंगाली चिंगड़ी। बंगाली चिंगड़ी यहाँ पर ये एक कबाब था, वेज कबाब, आई डोंट नो व्हाट कबाब इज दिस। ये वेज फिंगर एक है, देन और ये रहा चिकन टिक्का। सेम चीज़ मेरे को तो लगता है स्टार्टर खा के पेट भर जाएगा मेरा। वही मैं बोलने वाली थी। बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग का एपेटाइट बहुत कम है ना, इसी में पेट भर जाएगा। गाजर प्याज बस। वो मिर्ची लेगा, मिर्ची मिर्ची, लौंका चाहिए, लौंका बिरयानी के साथ, बिरयानी साथ लौंका खावे, लौंका लौंका प्याज। इसमें पानी आ रहा है, मैं तो खा रही हूँ। ठीक है ठीक है, आप स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। यहाँ पर ये चटनी के साथ लेके ये लिया और चलो खाते हैं। मेरा तो चिंगड़ी हजम भी हो गया, मैंने पहले खा लिया। चिंगड़ी कैसा लगा? अच्छा है, चिंगड़ी तो अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, वेज वाला नॉन वेज हो तो वेज कैसे अच्छा लगेगा आपको? अच्छा, फर्स्ट इम्प्रेशन बताओ, 900 रुपए का ये बुफे है, तो क्वांटिटी वाइज कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो ठीक ही लग रहा है, 900 रुपए के हिसाब से क्वांटिटी ठीक है ना। कितना दिन खा लेगा? हम लोग का घर का अगर बोलेंगे तो पाँच जन हम लोग खा लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके लेकर खा लेंगे। तो 900 के हिसाब से किसी और का नहीं बोल सकती हूँ, किसी कोई किसका कितना हुआ, हम लोग का घर के लिए ठीक है पाँच जन का। तो मम्मी के हिसाब से 900 रुपए के हिसाब से दिस इज सफिशियंट। मेरे हिसाब से भी ये 900 रुपए के हिसाब से खाना इज सफिशियंट, क्योंकि स्टार्टर भी काफी सारा है, क्वांटिटी भी काफी ज्यादा है। क्योंकि मटन का अगर प्राइस देखे, चिकन का प्राइस देखे, तो मटन के पीसेस भी ज्यादा दिए हुए, चिंगड़ी मैच दिए थे, तो प्राइस के वाइज के हिसाब से क्वांटिटी इज गुड। मिठाई है तो अब आते क्वालिटी का, बट खा के फिर बताते हैं। तो ये वेज वाला बेसिकली क्या था, मेरे को नाम नहीं याद है। आलू आलू होगा कुछ? नहीं आलू नहीं, सोयाबीन है कुछ, कबाब जैसा है। तो ये थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा स्पॉन्जी लग रहा है, बट टेस्ट करके देखते हैं। हर किसी का मुंह अलग अलग है ना। अच्छा, मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा, मुझे इससे अच्छा लग रहा है, एक तो थोड़ा चुवी है लेकिन फ्लेवरफुल अच्छा है, फ्लेवर्स आ गए, बट इतने ठंडे हो गए ना ये सारे खाने, विच इज़ अ प्रॉब्लम। अगर इसको रीहीट करेंगे गर्म, अगर गर्म करके खाएंगे तो वैसे बहुत सारा खाना चिड्डा बन जाएगा। हाँ, खाना गरम। सभी अच्छा है, देख के तो सब अच्छा है, देख के लग रहा है सभी अच्छा है। अच्छा है ना चिकन? अच्छा, चिकन काफी अच्छा। चिकन वाला खाई, फिश वाला है, देख फिश वाला देखते कैसा है। पीस तो काफी टेंडर लग रहा है ये फिश, और ये भेटकी दिया, बासा नहीं है, बासा का पीस है, बासा दूसरा टाइप का पता चल जाता। अच्छा लग रहा देख के ना, तुझे नहीं अच्छा लगा? मच्छी है इसलिए मुझे अच्छा ना, माचर मुद्दे टेस्ट नहीं हुनो, मसाला है ये। अच्छा ये क्या था? फिंगर, वेजी फिंगर। आप अभी मछली वाला खाइयो ना, चिकन वाला खाओ बताओगी। चिकन वाला जो कबाब है ना, उसमें बहुत ज्यादा अच्छा फ्लेवरफुल है, बहुत फ्लेवरफुल है, पंच बहुत अच्छा है। मछली वाला ना थोड़ा सा ब्लैंड है उसमें। हम लोग को मछली अच्छा लगता है ना, खाते रहते हैं इसीलिए। मम्मी बोली वेजी फिंगर अच्छा है, तो देखते खा। आलू का है और मटर दिया हुआ है, दिया हुआ है, और थोड़ा सा धनिया पत्ता या पार्सले दिया हुआ है बस। अच्छा है खाने में ना? बट अरे बर्गर किंग में जो वेजी फिंगर नहीं आता है वो है, एकदम सेम एग्जैक्टली वैसे ही टेस्ट आ रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तो कबाब है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इतना सॉगी हो गया ना ये, बिकॉज ये एकदम सॉगी हो गया, अच्छा नहीं लग रहा वाला। कबाब भी अच्छा ही है, अभी तक जो खाया सब अच्छा है। स्टार्टर के हिसाब से बोलूं तो इसको स्टार्टर ओके टाइप से, अगर मैं बुफे, जैसे मेरा भाई लोग इतना खाया है बुफे, मोंटे मोंटी लोग, अगर मैं वहाँ जाके चेक इन वॉक इन करके खाऊँ, तो मैं सबसे ज़्यादा आई प्रेफर ईटिंग द फिश टिक्का, द चिकन कबाब, द फिश कबाब एंड द प्रॉन, जो गर्म गर्म मिलेगा ना तो और ज्यादा खा पाएंगे। ये तो आते आते ठंडा हो गया, और प्लस वहाँ पर वो आपको ग्रिल रहता है सामने सामने, वो ग्रिल करो और खाओ, तो वो मेरे को ज्यादा वो वाला फीलिंग ज्यादा अच्छा होगा। तो स्टार्टर वाइज आई विल से मेरे लिए तो यही अच्छा लग रहा है, मैं तो जा जाके खाती नहीं। अच्छा, इफ माय डेट इज हैप्पी देन एवरीथिंग इज हैप्पी। चलो चीयर्स। चीयर्स। अच्छा नहीं मम्मी, अरे ठंडा हो गया इसलिए नहीं, इसमें नमक कम है, नमक कम है, नहीं अच्छा लग रहा है, ये क्रिस्पी फ्राइड चिकन लग रहा है, नमक कम है, ऐसे ठीक है। कांड
सो हम लोग का स्टार्टर हो चुका है, अब हम खाएंगे मेन कोर्स। देखो टेबल कितना भरा था और अचानक से ऐसा शिंक हो गया। तो इतना ही आता है मेनू में, मेन कोर्स इतना ही आता है, डेजर्ट और उतना आता था स्टार्टर। बट ठीक है, करने से बट मेरा स्टार्टर खा के थोड़ा पेट भर गया, मेरे को मन नहीं कर रहा है। मैं क्या खाऊंगा समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो मटन ले रही हूँ। लो आप अपना लो, आप अपना लो, मैं अपना ले रही हूँ। तुम अपना लो भैया, मैदे वाला पीसेस तो खाएगी? नहीं मैं नहीं खाती, मेरे को मटन पसंद भी नहीं है। अरे मटन नहीं खाऊंगी तो क्या खाऊंगी भाई। मैंने दाल लिया है, चिकन लिया है, और यहाँ पर मैं चिकन से खाऊंगी बिकॉज मेरे को मटन एज सच पसंद नहीं है। तो आई विल नॉट ईट मटन। सो यहाँ पर चलिए, हमने सारे खाने थोड़ा गर्म कर लिए हैं, अब बेटर लग रहा है थोड़ा सा गर्म हो। मटन थोड़ा टाइट है और थोड़ा बनता। दाल मखानी अच्छा है, मटन अच्छा है, पर थोड़ा टाइट है। पराठा पराठा भी अच्छा है। बिरयानी खाऊंगी तब पता चलेगा। चिकन खाया नहीं, मालूम नहीं चिकन, चिकन का। चिकन इज काइंड ऑफ गुड, लाइक ठीक है, इट्स गुड, स्मोकी फ्लेवर आ रहा है अच्छा सा। दाल मखनी बहुत अच्छा, दाल मखनी अच्छा, रोटी के संग अच्छा लग रहा है। पर मटन थोड़ा टाइट है। क्यों आप ही को खाना था मटन? मैं तो मटन खाऊंगी, मटन ना खेले हाय। अरे घर के तरह बना है। झोलटा के रखो हालो, झोलटा ही तो हरेर मटन बनी छे। मैंने ये है रोगन जोश, पर मटन बहुत झोली है, मतलब स्पाइसेस ज्यादा टेस्ट आ रहा है। हाँ, इतना भी स्पाइसेस नहीं है कि खा नहीं सकते, मतलब घर के तरह है। बोलो स्पाइसेस मतलब मसाला ठीक है? हाँ मसाला वसाला ठीक है, मैं खाते एकदम हाँ लग रहा है जो भी आई थिंक इट्स ओके। उतना भी वाव फैक्टर नहीं है, नहीं है पर ओके आने लगे। अगर जैसे यही सब आइटम हम लोग अलग से किसी रेस्टोरेंट से अलग अलग मंगाए तो ज़्यादा अच्छा है। ओके लाइक दिस चिकन करी, इसका नाम मैं वापस से भूल गई, दिस इज ओके। आया नहीं मैं, एक्सपीरियंस करना था बारबेक्यू नेशन, इसलिए एक्सपीरियंस कर ले रही हूँ। आपको और भी अलग अलग जगह का मैं बूफे खिलाऊंगी ऐसे मंगा के। अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं और भी बूफे का बूफे इन बॉक्स रिव्यू करूँ, जैसे कि फाइव स्टार होटल्स का भी बूफे इन बॉक्स है, तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं डेफिनेटली वो लेके आऊँगी। अच्छा ये टाइट क्यों है थोड़ा सा बोलूँ? टाइट नहीं रहेगा तो मसाला में पूरा घुल जाएगा, पीसेस उठाने में दिक्कत होगा, इसीलिए थोड़ा सा हल्का। नो आइडिया, मैं एक बार ट्राई कर सकती हूं। हल्का टाइट है, ऐसे नहीं कि खाना खा नहीं सकते। एक चीज बोलूंगी, रोगन जोश में तेल बहुत ज्यादा है, बट अगेन रोगन जोश की खासियत ही ये होती है कि इसमें बहुत तेल रहता है। तो इसका मैं ग्रेवी सिर्फ ट्राई करूंगी, मटन ही ट्राई करूंगी। अच्छा लाइट मसाला, बोला ना घर के तरह बनाया, देखने में इतना तेल लग रहा है बट इसका मसाला बहुत लाइट है, बहुत लाइट है, बहुत अच्छा बना, बहुत स्मूथ है, टेक्सचर बहुत स्मूथ है। थोड़ा खा ये, मटन नहीं खाऊंगा, नो मटन, आई लाइक मटन। बिरयानी खा के देखती हूं। सालन लो, आई डोंट नो सालन किससे बनता है, देखो तो ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है मस्टर्ड है इसमें, मस्टर्ड है। हां हां मैं नहीं खाऊं। क्या बोलो तो? सरसों, सरसों है, मैं नहीं खाऊंगी। तो खाने से मेरा एसिड हो जाएगा। मम्मी ऑलरेडी खा चुके बिरयानी एक बार, खाई तो एक बार। आप एक बार नहीं तीन बार खाई हो, झूठी। एक बार खाई, रोटी खाई ना, रोटी के। सो हम लोग अब खाएंगे बिरयानी, एंड ऑनेस्टली बिरयानी ज़्यादा ही था, हमने थोड़ा थोड़ा लिया बिकॉज हम लोग का पेट भर चुका है। हम दोनों का एपेटाइट बहुत कम है। सो चलो बिरयानी, मैंने तो आलू लिया है बिकॉज मेरे को बिरयानी में आलू बहुत पसंद है। आलू खा खा के भालू बनूंगी। ये बिरयानी देख के तो मेरे को नॉर्मली लग रहा है, कुछ ऐसा खास लग नहीं रहा है, बट टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। रेडी? अच्छा है बिरयानी, सेंट बहुत ज़्यादा। किसी का चीज़ का क्यों खराब बोलूँ, पर मेरा हस्बैंड की तरह बिरयानी कोई नहीं बना सकते, कितना बड़ा होटल का भी आ जाए। बाबा प्यार। अच्छा सुनो ना, सब पूछ रहे हैं आपको और पापा का लव स्टोरी। नहीं बताओ ना। सब नहीं बता सकते, ये सब होता नहीं है, ये सब नहीं बता सकती। ये तो धर्मेंद्र बसंती सुनने से ही तो सबको पता चल जाएगा। हाँ। धर्मेंद्र और बसंती, पापा शेफ का एक्चुअल जो रियल नेम है वो धर्मेंद्र है और मम्मी का रियल नेम इज बसंती। सब लोग समझ सकते हो कि कितना फिल्मी था इन लोगों का रिलेशनशिप। और
सोले का धन्नो और पापा का घर का नाम पेट नेम इज धन्नो सो इट्स लाइक वेरी रोमांटिक सोले का धन्नो और वसंती मुंह में देख रहे हैं ब्लश कितना आ रहा है मम्मी ने कभी लव स्टोरी शेयर नहीं किया बट पापा हमेशा बोलते थे कि जब थोड़े इमोशनल हो जाते थे मेरे को बताया कि मम्मी को पापा बादाम खाते हुए पता है कि मम्मी मम्मी अपने फ्रेंड के लोग फ्रेंड लोग के साथ बादाम खरीदने आई थी पापा अपने फ्रेंड लोग के साथ बादाम खरीद रहे थे बादाम के ठेले वाले के पास मम्मी इतनी अच्छी लगी कि पापा उससे बहुत ज्यादा देखते देखते बहुत ज्यादा बादाम खरीद लिए सो दिस इज वन थिंग एंड मेरे मम्मी पापा एक रेस्टोरेंट है केपरी विच इज इन कहां पर हेदुआ में एक रेस्टोरेंट है केपरी वहाँ पर हमेशा वो लोग डेट करने जाते थे डेट में चाइनीज खाने जाते थे और मैं जब पेट में थी तब भी मम्मी सिर्फ चाइनीज से दिस आर चाइनीज लवर्स तो चाइनीज ही खाती हूँ तो आई एम थिंकिंग कि मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊंगी जहाँ पर मम्मी की जितनी मेमोरीज है ओल्ड मेमोरीज जहाँ पर मम्मी पहले जाती थी डेट मारने या अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जब भी खाने जाती थी आई विल टेक हर टू ऑल दोस प्लेसेस एंड हम वहाँ पर खाएंगे ओके बट मैं आ जाऊँ उसके बाद ठीक है आपको वैक्सीन लग जाए उसके बाद तो बिरयानी बाय द वे हम लोग बिरयानी में थे अमर भाल लगे नहीं बिरयानी आई डोंट लाइक द बिरयानी मैंने तो बोला कहीं का जगह का खराब नहीं बोलूंगी खाना का कि भालो बनाई नहीं ये भालो ना मैंने तो शुद्ध सेंट दे दिया था फ्लेवर भातर मुद्दा तो पापा बनाते अच्छा नहीं पापा का बिरयानी और डालडा भी टेस्ट आ रहा है इसमें हां ये तो डालता ही है लोग डालडा पापा का बिरयानी इस पापा का बिरयानी गाइस बट इसका स्टार्टर और करी बहुत अच्छा था दाल मखनी बहुत अच्छा है दाल मखनी अच्छा और मैंने मटन जैसे खाया नहीं बट मटन करी से चिकन करी से मटन करी ज्यादा अच्छा है तो चिकन का वो खा लेती हूँ देखती हूँ बिरयानी के संग चिकन का मसाला से अच्छा लग रहा है हमें पारवना के तार बिरयानी सूखा सूखा मतलब वैसे लग रहा है ना मसाला का चावल मिला हुआ हमारा पेट भरेगा जो पूरा मेरा भी अपन वेजिटेबल्स बेश भाल लग रहा शाशा प्याज और गाजर सब खाना अच्छा था डेजर्ट बाकी है हाँ ओ बाबा चलो हम लोग खा के डेजर्ट में मिलता स्टार्टर खा लिया मेन कोर्स खा लिया पूरा पेट भर गया बट डेजर्ट इज समथिंग आजकल दिस डेज ऐसा हो गया कि मेरे को डेजर्ट बहुत अच्छा लगता खाना मैं तो हमेशा ही अच्छा लगता है मुझे ये मूंग दाल का हलवा है शायद वाओ इट्स सो क्रीमी आई डोंट नो किसका हलवा है मूंग दाल था ना मैंने क्या बोला था वीडियो में कोई याद नहीं है मूंग दाल होली आई डोंट नो खा के ही पता चलेगा क्या है खुशबू तो अच्छी आ रही केसर की मूंग दाल आई डोंट लाइक मूंग दाल क्या अच्छा बाबा सूजी वूजी होता तो बादाम टेस्ट आ रहा है बादाम दिया हुआ है तो मेरे को क्या इट्स अभी कम मीठा है घी का अच्छा टेस्ट आ रहा है केसर का अच्छा टेस्ट आ रहा है क्रीमी भी है इट्स लाइक गुड ओके मीठा पसंद नहीं है इसलिए तुझे मीठा पसंद नहीं मुझे अच्छा लग रहा है मैंने इससे पहले कभी मूंग दाल का हलवा खाया नहीं आज तक सो काइंड ऑफ गुड गुलाब जामुन खाना है अंगूरी जामुन वाह लो मम्मी आप भी ले लो आपका छोटा मेरा बड़ा है पुई 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 चलो रेडी अच्छा ठीक है ठीक ठाक थोड़ा टाइट है नहीं अच्छा है ठीक है छोटा छोटा मैं खाने लगा है ठीक ठाक है मेरे को ब्राउनी अच्छा लगा अच्छा नहीं है मेरे को ब्राउनी अच्छा लगा सूखा है पूरा हल्का है ज्यादा टाइट भी नहीं है सॉफ्ट है हल्का मीठा हल्का कड़वा हल्का जला जला टेस्ट आया मेरे को बहुत अच्छा लगा हलवा अच्छा था मम्मा लव्स इंडियन डेजर्ट्स सो अगर ओवरऑल मैं बुफे इन बॉक्स की बात करूं तो प्राइस वाइज अगर देखा जाए डेफिनेटली क्वांटिटी लोग बहुत ज़्यादा दे रहा है बट बिकॉज दिस प्लेस बारबेक्यू नेशन हैज़ बीन वेरी वेल नोन फॉर देयर बुफे वहाँ पर जाके खाने का वहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन होते हैं सो मैंने जितना सुना है लोगों से उधर के बारे में और जितना मैंने वीडियोज़ भी देखा है वैसे तो बहुत अच्छा लगता है वीडियो में इतना अच्छा लगता है जैसे अच्छा लग रहा था देख के भूख लग रहा है वो लग रहा है पर मुझे लगता है यहाँ उतना अच्छा लगा नहीं जाके खाने से शायद हूँ हाँ मुझे भी ये लगता है कि जाके खाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगा मजा नहीं मिला वो मजा नहीं मिला कोई अच्छा भी नहीं लगा कुछ नहीं हो खाने लायक था मतलब मेरा अगर बोलूँ ना तो मतलब इट्स गुड आई नहीं बोलूंगा खराब है वन टाइम एक्सपीरियंस के लिए आप भी मंगा के एक बार खा के ट्राई कर सकते बट इट्स नॉट दैट आपको इतना संतुष्टि नहीं मिलेगा जाके खाने से मजा आएगा बट इस पैसे में मैं चार आइटम मंगाऊंगी किसी अच्छे होटल से अच्छा क्वांटिटी में आएगा और मैं वो चार आइटम प्यार से खाऊंगी रादर देन आई विल यू नो रन आफ्टर क्वांटिटी क्वांटिटी से ज्यादा मैं क्वालिटी पे प्रेफर करूंगी यहाँ पर कुछ आइटम अच्छे थे कुछ आइटम वॉज नॉट वर्थ एट ऑल दो तीन अच्छे थे
दिन अच्छे थे. सो उस हिसाब से अगर मेरे को इसको रेट करना पड़ेगा अगर इस बुफे बॉक्स को, देन आई विल रेट इट एट 6 out of 10. 10 में मैं 6 दूंगी. 6, 5.5, 6. आप? मैं भी 6. पर जो भी है ब्राउनी इज गुड. ब्राउनी नहीं सही है, मुझे नहीं. मम्मी को अंगूरी जामुन खाना. अंगूरी जामुन है मजा ना. बात और बताना पापा का आपका लव स्टोरी बताना. बताना गाइस. पूछो ना पूछो ना. ना ना नहीं बहुत हो गया. तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टाइम विद सम डिलीशियस फूड चैलेंज. अगर मम्मी का लव स्टोरी और सुनना है तो आप लोग कमेंट. लव स्टोरी सुनना नहीं, मम्मी का खाना देखना है तो कमेंट करके बताइएगा. हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम. टिल देन आप स्टे सेफ एंड हैप्पी ईटिंग्स. बाय बाय. मम्मा ब्राउनी 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 ब्राउनी.